दोस्तों यहाँ पर काजोल देवगन का जो कि काफी बड़ा रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है डंकी वर्सेस सलार की क्लैश को लेकर। यहाँ पर काजोल ने बोला है कि शाहरुख खान मेरे जो कि बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ पर शाहरुख खान की जो कि मूवी मैं हर दम देखना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर शाहरुख खान ने जो कि जिस हिसाब से इस साल के अंदर तहलका लगाया है, जिस हिसाब से इस साल के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, वैसे ही कलेक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है दूसरी मूवीज के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर शाहरुख खान भाई साहब इस साल के अंदर जो तबाही करते हुए दिखाई दिया है और यहां पर बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो कि अपना साया छोड़ते हुए देखने को मिल रहा है, वैसा जो कि आज तक बॉलीवुड की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ है। जवान काफी ज्यादा कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भाई साहब और यहाँ पर आने वाली मूवी है शाहरुख खान की डंकी, वो भाई साहब यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी को जो है वो अपनी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर डंकी जो कि क्लासिक मूवी होने वाली है। यहाँ पर शाहरुख खान ने इस साल के अंदर दो जो कि सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, वो भी जो कि एक्शन के अंदर, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जो है शाहरुख खान हमको एज ए क्लासिक मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई साहब यहाँ पर थिएटर्स जो कि यहाँ पर स्टेडियम के अंदर बदलने वाले हैं और शाहरुख खान के फैंस जितने भी है उनका जो कि यहां पर बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं डंकी मूवी का, वो जल्द से जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है वो भाई साहब शाहरुख खान की बर्थडे है और शाहरुख खान की बर्थडे वाले दिन जो कि हमको डंकी का जो है भाई साहब टीजर भी देखने को मिलेगा, उससे जो कि यहाँ पर भाई साहब डंकी की जो हाइप है वो यहाँ पर और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। काफी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है डंकी से रिलेटेड और यहाँ पर सलार से रिलेटेड। सलार जो है वो काफी जो कि न्यू अपडेट्स देती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर सलार भी जो कि यहाँ पर डंकी को पीछे करने के लिए काफी पूरी कोशिश करती हुई देखने को रही है। लेकिन भाई साहब हिंदी बेल्ट के अंदर किसी भी मूवी को डंकी के सामने अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पर जो कि काफी बुरे तरीके से पिट सकती है। ऊपर से यहां पर जो शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है वो यहां पर ओवरसीज के अंदर भी काफी ज्यादा है, तो यहां पर सलार को जो कि शाहरुख खान को बीट करने में काफी ज्यादा पसीने बहाने पड़ सकते हैं, क्योंकि भाई साहब शाहरुख खान जो कि अब ऐसा नाम बन चुका है जो यहां पर जो कि 1000 करोड़ से ऊपर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब डंकी मूवी जो कि काफ़ी ज़्यादा तबाही करने वाली है। आपका क्या ख्याल है डंकी वर्सेस सलार के क्लैश के बारे में? आपको क्या लगता है सलार वर्सेस डंकी के अंदर कौन सी मूवी जो कि आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये जो कि मुझे आप कमेंट्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सलार वर्सेस डंकी के क्लैश के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई साहब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा राधे राधे।